मैं फर्स्ट टाइम मतलब भगवत गीता पढ़ने जा रहा हूँ। तो जय श्री राम एवरीवन। सो डे वन स्टार्ट करते हैं अपना। तो भुर्जी हमारी बन चुकी है पनीर की, अब हम इसको ब्रेड पे लगाएंगे सिंपल तरीके से। ब्राउन ब्रेड ले लो या वाइट ब्रेड ले लो, जोन से आपको मन करे वो ब्रेड ले सकते हो आप। मैं चाहूँ तो दो बना सकता हूँ एक और अलग से, पर नहीं, मैं बनाता हूँ 3 in 1। थ्री इन वन थोड़ा बेस्ट है। सोया सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी है, देख सकते हो बन के रेडी है हमारा एकदम मस्त सैंडविच। इसे खाते हैं और फिर जिम चलते हैं, जिम में मिलते हैं। बेंच प्रेस में तो मेरी आज हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत दिनों बाद जाके मैंने वर्कआउट किया है ना, तो भाई ऐसा हो गया बिल्कुल कि वेट लग ही नहीं रहा था। मैंने 10 से स्टार्ट किया, मैंने कहा 10 करता हूँ, बट मैंने यहाँ पे सिंपल मारा अपना 20 का वेट, क्योंकि मैंने सोचा बस एक ही बार वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी पहला दिन है ना तो मन नहीं कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का। मैंने बना ली, इंक्लाइन पे लग चुके हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं अपना। इंक्लाइन भी बढ़िया है, मतलब आज ये हो गया कि हाँ भाई अब मैंने सेट स्टार्ट कर दिया तो अब आराम आराम से प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद अपना थर्ड वर्कआउट भी कर लिया है ऑलमोस्ट, सब कुछ बढ़िया है देख लो तुम। और अभी मैंने नई स्किल सीखी है VN पे, मैंने अब टारगेट बनाया है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। लाइब्रेरी गया मैं, इतनी शांति, इतनी शांति, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पीसफुल लाइफ जी ली एक दिन में ही। तो लाइब्रेरी में भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें किया मैंने, और एडिटिंग का थोड़ा सा स्किल सीखे, एडिटिंग के बहुत सारे तरीके सीखे। उसके बाद अपने डांस क्लास में डांस सिखाया, क्योंकि भाई मैं आ गया था और मैं आराम से बैठ के, मैंने सोचा आराम से बैठ के बताया जाए। अभी मैं जस्ट अभी आया हूँ, देख सकते हो पसीना भी आ रहा है सही वाला। तो भाई डांस सिखाया, बहुत दिनों बाद मैंने डांस किया, डांस भी बहुत दिनों बाद ही किया है। तो ये जो 90 डेज़ की जो मेरी सीरीज़ चलेगी, या फिर ये मान लो डेली चैलेंज होगा, या फिर ये मान लो कि डेली व्लॉग्स आएंगे, बट मैं सिर्फ ये प्रोसेस है कि पूरे 90 दिन व्लॉग्स आएँ और रोज़ मैं कुछ नया सीखूँ, रोज़ मैं कुछ पढ़ूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ भाई कुछ खाने, क्योंकि मैंने ना जब से कुछ खाया नहीं है। लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी से आके खाना वाना खाया और मैं थोड़ी देर सो गया आधे घंटे, फिर डांस क्लास अपना कराई। कल देखते हैं, कल मिलवाता हूँ बच्चों से तुम्हें, है ना, बहुत मस्त माहौल और था, तो मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वीडियो तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब कुछ खाने जा रहा हूँ यार, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, बहुत सही चीज़ है। और पिंटोला तो मेरे को ऐसा हो गया कि ये तो चीज़ लेनी है। पहले पिंटोला का वो यूज़ कर रहा था पीनट बटर मैंने चेंज किया, ये रहा ब्राउन राइस केक, इसको खाते हैं, मस्त है। और ये अपना आ गया भाई फन फूड्स का चॉकलेट नट स्प्रिट, ये बहुत सही है, दोनों चीज़ मस्त मिलाते हैं। थोड़ा देखते मैच, इसको खाते खाते। सूर्य कुमार यादव को 4 रन चाहिए पूरे 100 होने के लिए। लो भाई, फिलहाल मैं आया था अपना लास्ट टास्क पूरा करने, जो कि था सबसे पहले तो था मैं फर्स्ट टाइम मतलब भगवत गीता पढ़ने जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ मैंने देखी, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी, आपको बहुत बहुत ज़्यादा माइंड आपका ना शार्प हो जाएगा, बहुत पीसफुल हो जाओगे। तो मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे को बस फाइनल अपना रॉप करना है, वो करेंगे।
आज के लिए 100 काफ़ी हैं, क्योंकि हम लोग डेली अगर हमें बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, तो आगे आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उतना स्टैमिना उतना पूरा वो रहना चाहिए, मतलब अपने अंदर स्टैमिना रहना चाहिए, स्ट्रेंथ रहना चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा आज कल बताना कमेंट करके। सिंपल डे था, सिर्फ अपने वर्क्स को दिखाया और मैं डे बाय डे चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी कर रहा हूँ। बाकी जय श्री राम। और